मस्जिद भी बना लो, सब ले लो यार, जीने दो चैन से। शेर पढ़ता हूँ। कभी एक शेर कहा गया था, बहुत पुराना शेर, आप सबने सुना होगा, कि हम आह भी करते थे तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये शायरी है। कोई भी टॉपिक, कोई भी मौजू शायरी बन सकता है, शायरी में इतनी गुंजाइश है। देखिए, इसी आज के दौर में इस शेर को मैंने इस तरह से कहा है, न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूँ, सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए। सुनिए, इस शेर की जो रूह है, आत्मा है, जो सोल है, देखिएगा वो। सो अब की बार न कोई काशी न कोई मदीना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क में बेखौफ जीना चाहता हूँ, सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए, मैं अपने जख्मों को दोबारा सीना चाहता हूँ। सो अब की बार मुझे चीखने दिया जाए, मैं अपने जख्मों को दोबारा सीना चाहता हूँ। बहुत छोटी बहर में, बहुत आसान लफ्जों में एक गजल सुनाता हूँ। आसानी से गहरी बात कहना सबसे मुश्किल काम है, जानिसार अख्तर साहब कहते थे, जावेद साहब के वालिद साहब। बहुत ही नई गजल है, आपने टीवी पर भी ये गजल नहीं देखी होगी, सुनी होगी। मैं ये गजल, बहुत ही नई गजल है, और मैं देगलूर पे भरोसा कर सकता हूँ नई गजल सुनाने का, यकीन है मुझे इस शहर पे। बहुत कुछ जान के जाना है तुमको। मिसरे का प्रोसेस देखिए, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, मुझे जो तुम समझते हो गलत है, मुझे जो तुम समझते हो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। मुझे जो तुम समझते हो गलत है, मुझे जो तुम समझते हो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। बहुत शुक्रिया। और ये शेर, जिस पे बहुत चिल्लाटें मची हुई हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के शेर सुनाया, बड़ी सीधे, बड़ी बड़ी सरलता, बहुत सीधे से मैं एक शेर सुना रहा हूँ। ये आपका किरदार इसमें मौजूद है, शेर सुनिए। के जो मुल्क के हालात हैं, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। सलीम भाई, ये शेर सुनिए, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूँ। शेर सुनिए, मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूँ, अब इसके बाद घबराना है तुमको। बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूँ, अब इसके बाद घबराना है तुमको। शेर सुनिएगा, के चले जाओ मगर घर मत गिराओ। देखिए, घर बहुत सारी चीजों की अलामत है इस मिसरे में, इस शेर में। चले जाओ
मगर घर मत गिराओ, चले जाओ मगर घर मत गिराओ, इसी चौखट पे फिर आना है तुमको। चले जाओ मगर घर मत गिराओ, इसी चौखट पे फिर आना है तुमको। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत नवाजिश दिख लो, बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूं। चले जाओ मगर घर मत गिराओ, इसी चौखट पे फिर आना है तुमको, इसी चौखट पे फिर आना है तुमको। सलीम भाई ये भी शेर सुनिएगा, इसी चौखट पे फिर आना है तुमको। ये जंगल है यहाँ घर है न गमले, जंगल है यहाँ घर है न गमले, इसी चौखट पे फिर आना है तुमको। ये जंगल है यहाँ घर है न गमले, यहीं पे खिल के मुरझाना है तुमको। मुनव्वर भाई शेर सुनिएगा, ये जंगल है यहाँ घर है न गमले, यहीं पे खिल के मुरझाना है तुमको। जरा सा देखना है आईने में, फिर उसके बाद शर्माना है तुमको। जरा सा देखना है आईने में, फिर उसके बाद शर्माना है तुमको। तीन चार शेर और एकदम नए सुनाता हूँ, सब नया सुना दूंगा मैं जो लेके आया। फिर उसके बाद शर्माना है तुमको, उसकी दुनिया में नहीं रहता था, उसकी दुनिया में नहीं रहता था। बहुत आसान लफ्जों में देखिए, उसकी दुनिया में नहीं रहता था, फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था। उसकी दुनिया में नहीं रहता था, फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था। सलीम भाई समझ सकते हैं, मुश्किल जमीन है ये, फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था। नहीं भाई, फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था, चांद तारे थे उसकी जुल्फों में, चांद तारे थे उसकी जुल्फों में, मैं भी बादल सा वहीं रहता था। बहुत शुक्रिया। चांद तारे थे उसकी जुल्फों में, चांद तारे थे उसकी जुल्फों में, मैं भी बादल सा वहीं रहता था, मैं भी बादल सा वहीं रहता था, उसको आकाश बनाता था मैं, आकाश और मैं बन के जमीन रहता था। उसको आकाश बनाता था मैं और मैं बन के जमीन रहता था। और ये शेर, अगर मैंने जिंदगी में कुछ अच्छे शेर कहे हैं, अच्छे शेर तो बहुत कहे हैं, बहुत अच्छे शेर अगर कुछ कहे हैं, तो उनमें से एक शेर ये है जो मैं आज सुनाने जा रहा हूं आपको। उसकी दुनिया में नहीं रहता था, फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था। ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, सुनिएगा शेर, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, मैं बहुत पहले यहीं रहता था। ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, मैं बहुत पहले यहीं रहता था। बहुत छोटी
बहर में एक और गजल के कुछ शेर सुना रहा हूं मैं। मैं बहुत पहले यहीं रहता था, पहले एक गजल जिसका मतलब मैं आपके शहर के नाम करता हूं। ये मतलब सुबह चले जाना है मुझे और कुछ दिन, जो मुझे जानते हैं उन सब के की नजर करता हूं। मैं कुछ लोगों को नाम से जानता हूं लेकिन यहां दिल्लूर के तमाम चेहरों को इस हवाले से पहचानता हूं कि मोहब्बत करने वालों की शक्लें एक जैसी होती है। बहुत बढ़िया। ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, मैं बहुत पहले यहीं रहता था और कुछ दिन यहां रुकने का बहाना मिलता, और कुछ दिन यहां रुकने का बहाना मिलता। देखिए, रहने का नहीं कह रहा हूं, रुकने का कह रहा हूं। मामूली शायर होता तो रहने का कहता वो। और कुछ दिन यहां रुकने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। और कुछ दिन यहां रुकने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। साथ रहने की चुकाई है बड़ी कीमत भी, साथ रहने की चुकाई है बड़ी कीमत भी, छोड़ देते जो तुझे हम तो जमाना मिलता। साथ रहने की चुकाई है बड़ी कीमत, साथ रहने की चुकाई है बड़ी कीमत भी, छोड़ देते जो तुझे हम तो जमाना मिलता। ये शेर भी मुझे बहुत अजीज है, ये जो सुनाने जा रहा हूं। छोड़ देते जो तुझे हम तो जमाना मिलता, मैं तो जो कुछ भी था जितना भी था सब मिट्टी था। सुन के बताइए ये शेर। छोड़ देते जो तुझे हम तो जमाना मिलता, मैं तो जो कुछ भी था जितना भी था सब मिट्टी था, सब मिट्टी था। तुम मगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। क्या कहने भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं तो जो कुछ भी था, मैं तो जो कुछ भी था जितना भी था जी। हमने तो ढूंढ लिया था। काजी साहब, आपका बहुत प्यार, बड़ी मोहब्बत है। सुरेश हारे हारे सुरेश है भाई, जिंदाबाद शकील भाई, बहुत ही मुबारक शकील भाई। बहुत शुक्रिया। हम माफी चाहते हैं, कुछ तकलीफ ही, हम माफी चाहते हैं, कुछ तकलीफ हुई मेरे सर पे। अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन। मैं तो जो कुछ भी था जितना भी था सब मिट्टी था, तुम मगर ढूंढते मुझ में तो ले गए हम ही उसे मंदिरों मंदिर की तरफ, वरना हर राह में उसका ही ठिकाना मिलता। ले गए हम ही उसे मंदिरों मस्जिद की तरफ, वरना हर राह में उसका ही ठिकाना मिलता। ये शेर भी सुन लीजिए कि मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर है बहुत, मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर है बहुत, काश रोने के लिए भी कोई शाना मिलता। मुझको हंसने के लिए, मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर हैं बहुत, मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर हैं बहुत, काश रोने के लिए भी कोई शाना मिलता। खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा, खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा,
सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा, कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा, क्या कहने, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा, कमाया जैसे उसी शान से उलाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। अभी एक साहब कह के गए कि अब शायर बंगले में रहता, कार से चलता है, चंद शायर और वो भी मुताशायर कार से चलते हैं, शायर आज भी मालेगांव में और बुरहानपुर में भीड़ियां पी रहा है फुटपाथ पर, असली शायर। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा, कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। लेकिन शायरी करने की जिद थी मुझे, मतलब पढ़ता हूं कि कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, कमा के पूरा किया, कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था। आपने फरमाइश की थी, कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था। शेर पढ़ता हूं फिर, मैं अपनी शायरी में आम आदमी होता हूं, हिंदुस्तानी होता हूं, ना हिंदू ना मुसलमान होता हूं मैं। शायरी हिंदू मुसलमान थोड़ी होती है यार, शायरी होती है। कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था, वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था। न मेरे चेहरे पे दाढ़ी, न सर पे चोटी थी, न मेरे चेहरे पे दाढ़ी, न सर पे चोटी, टोपी नहीं, वरना मुसलमान हो जाएगा। चोटी और दाढ़ी ये दोनों इस्तियारा है हिंदू मुसलमान का, इस तरह से भी कहा जा सकता है। वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था, न मेरे चेहरे पे दाढ़ी, न सर पे चोटी थी, मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था। न मेरे चेहरे पे दाढ़ी, न सर पे चोटी थी, मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था, मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था। शेर पढ़ता हूं, मगर फसाद ने पत्थर मुझे भी मारा था, जहां पे लोग मेरी जान लेना चाहते थे, उसी गली से गुजरना मुझे दोबारा था। जहां पे लोग मेरी जान लेना चाहते थे, उसी गली से गुजरना मुझे दोबारा था। ये शेर हो गया इस शेर में, इस गजल में, उसी गली से गुजरना मुझे दोबारा था, बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में। दिगलूर में मैं किसी लफ्ज का या मतलब और किसी शेर का मतलब नहीं बताऊंगा मैं। बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में, पता चला कि उसी में मेरा किनारा था। बहा के ले गई, बहा के ले गई जो मौज गहरे पानी में, पता चला के उसी में मेरा किनारा था। उसी को देख के पत्थर का हो गया था मैं, उसी को देख के पत्थर का हो गया था मैं। नहीं, ये दूसरी गजल का शेर आ गया, माफी चाहता हूं, कुछ थोड़ा सा अपने आप में हूं, थोड़ा सा नहीं हूं, ऐसी कैफियत में चला गया हूं। और ये आप लोगों की देन है जो आपने इतना अच्छा सुना, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका जो आपने इतना अच्छा सुना। एक दूसरी गजल सुनाता हूँ, इस पूरी गजल में सियासत है, इस पूरी गजल में आप हैं, लेकिन सब कुछ शायरी के साथ हो रहा है।
सब कुछ पर्दे में हो रहा है, सब कुछ इस्तियारे में, सब कुछ अलामत में हो रहा है। और आप समझेंगे, आप समझते हैं, आप बढ़ाए फिर से गए, फिर से कम किए गए हम। देखिए फसाद के पसमंजर पे बहुत चिल्ला चिल्ला के शेर पड़े जाते हैं। ये गजल पूरी देखिए कैसे, ये बड़ी गुथी हुई, मुझे अजीज है ये गजल, पसंद है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। बढ़ाए फिर से गए, फिर से कम किए गए हम। नहीं भाई सुनिएगा, आपने शायद सुननी होगी ये गजल। बढ़ाए फिर से गए, फिर से कम किए गए हम, हजार बार उगे और कलम किए गए। बढ़ाए फिर से गए, फिर से कम किए गए हम, हजार बार उगे और कलम किए गए हम। फिर एक बार जमाने को हम पे हंसना था, सो फिर रुलाए गए और नम किए गए हम। फिर एक बार जमाने को, फिर एक बार जमाने को हम पे हंसना था, सो फिर रुलाए गए और नम किए गए हम। हमारी बस्ती को जंगल किया गया पहले, रम एक लफ्ज है, कुछ नौजवानों को मैं बता दूं, इस रम से ही ये शेर बना है। हिरन की दौड़ को कहते हैं रम। हमारी बस्ती को जंगल किया गया पहले, फिर उसके बाद तमाशाए रम किए गए। हमारी बस्ती को जंगल किया गया पहले, फिर उसके बाद तमाशाए रम किए गए हम। ये दुनियादारी ना आनी थी सो ना आई हमें, ये दुनियादारी ना आनी थी सो ना आई हमें। कहां कहां की दुआओं से दम किए गए हम। ये दुनियादारी ना आनी थी सो ना आई हमें, कहां कहां की दुआओं से दम किए गए हम। मजा ना आया कहानी में कुछ हमारे बगैर, मजा ना आया कहानी में कुछ हमारे बगैर, मजा ना आया कहानी में कुछ हमारे बगैर। जहां कटे थे वहीं फिर रकम किए गए। मजा ना आया कहानी में कुछ हमारे बगैर, जहां कटे थे वहीं फिर रकम किए गए हम। हाँ, एक गजल सलीम भाई और हमारे दूसरे अल्तमश भाई ने याद दिलाई है, उनकी फरमाइश है, अच्छी रोमांटिक गजल है, मुझे भी अजीज है। वैसे शायद टीवी के जरिए पहुंच गई होगी, काफी पढ़ी है मैंने, रेख्ता में भी पढ़ी थी ये गजल, कि जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। जो रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। बहुत शुक्रिया भाई नवाजिश। गले मिले भी तो, पंडित जी बैठे हैं देखिए आखिर तक, मेरे बहुत सारे ब्राह्मण दोस्त हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मुल्क को बिगाड़ने में ब्राह्मणों का ही सबसे ज्यादा हाथ है। तो मैं अपने इस पंडित दोस्त से कहूंगा कि कुछ इसको सुधारने की कोशिश करें, जियो और जीने दो, मुल्क खुशहाली की तरफ जाए। ये तंज नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। शेर सुनिएगा, गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। क्या शेर भाई, गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए,
गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए। तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। शेर सुनिएगा, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। न कोई ख्वाब दिखाया, न गम दिया उसको। देखिए इश्क ऐसे भी होता है, न कोई ख्वाब दिखाया, न गम दिया उसको, बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया। न कोई ख्वाब दिखाया, न गम दिया उसको, बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया, बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया। ये शेर सुनिएगा, अगर नया लगे तो सुन के बताइएगा। बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया, उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। क्या कहने, क्या कहने। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। शेर सुनिएगा, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। फायदा ढूंढने वाले ये तिजारत ना करें, इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। फायदा ढूंढने वाले ये तिजारत ना करें, इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है, इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। एक शेर में, वो दिल्ली में एक साहब रहते हैं, उनको सुनाना चाहता हूं, अगर वो दिल्ली में हो, अक्सर बाहर होते हैं वो। इश्क के सौदे में, लेकिन ये भी शायरी के साथ, इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। वक्त ने तुझको नवाजा है मगर वक्त से डर, वक्त ने तुझको नवाजा है मगर वक्त से डर, मगर वक्त से डर, बादशाहों से भी तावान लिया जाता है। वक्त ने तुझको नवाजा है मगर वक्त से डर, बादशाहों से भी तावान लिया जाता है। मैं समझता हूँ बहुत हो गया, अच्छी शायरी ज्यादा नहीं सुननी चाहिए, मैं सही सही बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह अगले साल। जिंदाबाद, जिंदाबाद।